जैसा कि आपको पता है कि मैंने कैश बुक के रिकवरी एजेंट से बात की थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने 3 पार्ट में डाली थी, ठीक है, और 5 पार्ट में मैंने डालने के लिए बोला था। तो अब मैं 4th पार्ट डालने जा रहा हूं ताकि आपको और आगे की बातें पता चल सके। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले वो 3 पार्ट जो मैंने डाल चुका हूं उनको पहले सुन लेना है, उसके बाद ही आप 4th पार्ट सुने तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको पार्ट सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और साथ ही साथ मेरा एक दूसरा चैनल है बजाते रहो पुंगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर भी आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपने कभी नहीं सोची होंगी ना देखी होंगी, बहुत ही यूनिक वहाँ पर वीडियोज़ मिलेंगी। क्योंकि इस चैनल पर मैं अब लोन ऐप्स की वीडियोस कम करने वाला हूँ, अब लोन ऐप्स की जितनी वीडियोस है सब आपको उसी चैनल पर मिलेंगी। तो दोस्तों आप सबसे पहले अब ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ताकि आपको और आगे की बातें पता चल सकें कि उस रिकवरी एजेंट ने मुझसे क्या बातें की थी। मतलब इतना खुलेआम सारे काम चल रहा है तो कोई इसको रोकता नहीं है? सर मैं तो कह रहा हूँ ना कि कोई नहीं, आप नेक्स्ट मंथ में ना, पिछले मंथ में नवंबर में 10 तारीख को कंपनी बंद हुई थी, तो उससे पहले मतलब अक्टूबर में आए थे सीबीआई वाले, ऑफिस में आए थे सीबीआई वाले, उन्होंने बात करी फिर वो चले गए। मतलब पैसा लेते के खत्म कर दिया क्या मामला? पता नहीं जो भी सीन हो, तो 2 पुलिस वाले आए थे, एक सिविल में था, सीबीआई वाला ही था, कार बड़ी कार से आए थे, हम लोग जॉब कर रहे थे तो आए बैठे, मैक्सिमम मेरे को लगा 1-2 घंटे तक बैठे थे, फिर वो चले गए। उसके बाद से 1 महीना जॉब चला, फिर उसके बाद से एक बार 10 तारीख को पता चला कि मतलब किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया, डायरेक्ट बंद कर दिया कंपनी। और ये पता नहीं है कि मतलब इसी की ऐप के थ्रू बंद हुआ, जितनी कलेक्शन लाइन की थी ना यहाँ पे, और जितनी कलेक्शन लाइन की जितनी भी कंपनी थी ना सारा बंद हो गया, मैं देखा सारा बंद। एक और था यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी थी, क्या नाम है उसका, वो कलेक्शन का था, वो भी बंद हो गया, जो कि वेरीफाइड है पूरी 100% उसी मैच्योरिटी मतलब पूरी वेरीफाइड है, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो मतलब पूरा ऑफिस खाली कर दिया, पूरा सारा बंद कर दिया, यहाँ पे जितनी कलेक्शन की थी ना सारा बंद हो गई, अब बस सेल्स की चल रहा है। अच्छा सेल्स में जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, जैसे दवाई हो गया, धनी क्रेडिट कार्ड, SBI का हो गया, बैंकिंग में जॉब, ये सारा बस अब यही सब चल रहा है, कलेक्शन का हर जगह बंद कर दिया। अच्छा। यहाँ पे पूरे गुड़गांव में हर जगह ये चीज है। अरे बहुत ज्यादा फ्रॉड है इसका मतलब, तो बहुत ज्यादा है उसका मतलब। पुलिस वाले मिले हुए हैं तो तभी तो। अरे सर मैं तो कह रहा हूँ पूरा सिस्टम ही करप्ट है, तो पुलिस वाले क्या है, पुलिस करप्ट है, पैसा चाहता है इनके लिए, वरना ये बताओ पुलिस आ रही है वहाँ पे, इसका तो उन्हें पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। पता है उन्हें तो 100% पता है ना, आप एक वही थोड़ी ना कस्टमर है कि जो आपको नंबर दिया हुआ है, और सारे कस्टमर जो है कि जिसने वो करा है पुलिस केस करा है, 1000 रोज कंप्लेंट होते हैं, पर क्या करेंगे वो, पैसे आते हैं लेट के चले जाते हैं, और क्या करेंगे वो। अच्छा एक चीज और, ये मतलब कहते हैं कि आपको, आपने जॉब करी आपको एक ही पैसा नहीं मिला? मैंने जॉब करी, 1 मंथ का मेरे को पेमेंट दिया था, 2nd मंथ का मैंने, अभी मेरे को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 1 मंथ करा और 2nd मंथ में कंपनी भाग गई, पैसे भी लूट लिए मेरे 17,000 रुपए। अच्छा हाँ ये तो बात है। तो आप लोग फ्लोर में काम करते थे ऑफिस में बैठ के? हाँ। तो ये मतलब जो वहाँ पे जो ऑपरेट करता था आप सब लोगों को, उसका वो भी मतलब चला गया? वो भी चला गया, सारे चले गए सारे। अच्छा सबकी नौकरी भी चली गई? वो तो ऑफिस अब खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे, वही उसके साइड में ही हमारा सेल्स का जॉब मैं करता हूँ। हाँ वहाँ पे कोई गार्ड से पूछा मैंने तो बोलते हैं कंपनी बंद हो गई, गार्ड नीचे रहता है, मैंने पूछा गार्ड से, अरे सर कंपनी खुलेगी कि नहीं खुलेगा, बोल रहे कंपनी तो बंद हो गई, तो मैंने बोला सर पैसे कंपनी बंद नहीं हुई है, हमें ऐसा लग रहा है कंपनी कहीं और शिफ्ट हो गई है। हाँ कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा, क्योंकि
तो सारे काम तो लैपटॉप से चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है, हाँ, सारा इंटरनेट से और NX ID से। एंड चल रहा है ना। आपका लैपटॉप जहाँ पे है वहाँ पे काम कर सकते हो, है यही तो। हाँ, ये बात है, तो मतलब ये सारा चाइनीज है, सब चाइनीज ऐप्स है, सब चाइना से ऑपरेट हो रहा है। सारा चीज। चलो भाई कोई नहीं, सही है, आपने हमें जानकारी दी। और अपना आप आगे का देखो, कैरियर बनाओ अपना आगे का अरे सर, ऐसी। मैं बस मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो जाएगा, मैं तो खुद ही चला जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि हमें भी अपनी आगे की देखनी है। बट क्या करें, मेरे घर में बहुत कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए आप मैं, परिवार में कौन कौन है आपके? मम्मी नहीं है, मतलब मम्मी ने सुसाइड कर लिया था, ओ मेरे पापा सॉरी। ने दूसरी शादी करी थी, इसी वजह से मैं आज यहाँ पे, नहीं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आपका भाई साथ में, तो सगा है? नहीं भाई, मतलब प्रॉपर अपना भाई नहीं है ना, बड़े पापा का लड़का है, मैं अच्छा अकेला, अच्छा मतलब मैं घर में तो बड़ा हूँ, अच्छा मतलब मेरी एज भी ज्यादा नहीं है, मैं 20 साल का हूँ। मेरी मम्मी ने मैक्सिमम 12 साल का था तब भी सुसाइड कर लिया था, तो मेरे पापा ने शादी कर ली, तो मैं मामा के घर पे रहता था। उसके बाद से मैंने अपनी जैसे तैसे करके पढ़ाई करी, फिर मैं बाहर ही चला आया। तो सही है भाई, अपने पे डिपेंड हो, आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। और क्या, मेरी बहन है तो ज्यादा इसी वजह से, एक बहन है मेरे से बड़ी है, उसकी भी शादी करने की एज हो गई है, और मेरा एक छोटा भाई है, मतलब मेरे से छोटा है। साथ तो आपके पिताजी आपका कुछ मतलब आपके साथ नहीं देते क्या? आप तो जानते ही हो सारा चीज प्रोसेस, आप तो समझते हो ना कि मतलब उन्होंने दूसरे से शादी कर ली, तो मतलब दूसरी शादी कर ली है, आपने, आपसे कोई मतलब नहीं है? नहीं नाना नानी ने केस कर दिया था, तो फिर उसके बाद से, फिर बाद में उसको सुलझाया, फिर उसके बाद से बोल, नाना नानी ने बोला कि आपके पास नहीं रहेंगी, तो हम लोग नाना नानी घर पे रहते हैं, कभी मिलने भी नहीं आते हैं, तो मान लो नाना नानी घर पे रहते कब तक रहेंगे, है ना। इसी वजह से मैं आपको बताना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे को भी कोई शौक थोड़ी ना लगा हुआ नहीं कि नहीं नहीं मैं ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है भाई, आऊँ। हर किसी की मजबूरी होती है। आपको शौक थोड़ी ना था कि बाहर आओ नौकरी करो, और क्या, ये टाइम तो आपको पढ़ने का था, है आपको कुछ करने का था, लेकिन क्या करें, आपकी मजबूरियां हैं, आपके पिताजी आपके साथ नहीं है यार, वही तो, बड़ा बट दिक्कत। कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में है। चलिए कोई नहीं, अब आपने हमें इतनी जानकारी दी है, लेकिन अब आगे ध्यान रखना कि ऐसी चीजों में मत पड़ना। कि पता है पिछली बार लोन ऐप्स में जो चीजें थी तो पुलिस ने छापे मारे थे जगह जगह, बहुत लोगों को पकड़ा था। हाँ, पता है मेरे को, जब ये कंपनी बंद हुई ना, तो तभी पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी पीटे थे, बहुत सारे लड़के पीटे थे, जैसे लोकल लोग जिसके घर के सुसाइड करे थे वो आए थे, बहुत मार और के गए थे इन्हें, तो मैंने खुद ही, मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। वापस में घुस के उनको पीटा पीटा गया था काफी कुछ, जैसे नहीं हम हाँ एड्रेस मिल गया उनका, जैसे ऑफिस में आप बता रहे हो काम हाँ कर रहे हैं, हाँ हाँ कुछ लोगों को थे पिटाड़े, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से एड्रेस निकाल लिया, कुछ मिल गया तो वहां पे घुस के बहुत लोगों को मारा पीटी की थी उन लोगों के साथ, तो वो आज भी जेल में बंद है। अरे कोई नहीं सर, मेरे को पता ही नहीं था, तो मैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो छोड़ भी दिया है, चलो सही है, मतलब कंपनी बंद हो गई, पता नहीं होता मतलब है। मेरे को पता अगर नहीं चलता ना इस चीज के बारे में, चलो अब तो पता लग गया ना कि हाँ क्या सीन है इसका, क्या मैटर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम भी समझ सकते हैं और सामने वाला भी समझ सकता है। चलो ठीक है, तो बस आपने पर्सनल नंबर से मतलब कम कॉलें की है लोगों को, आपने वही लैपटॉप से कॉल करते थे? नहीं NX ID होती है ना, उनसे ही तो आपसे ही ज्यादातर, आपसे ही बोला जाता था कि आप गाली बको, ऐसा करो वैसा करो। ये उनके ऊपर का प्रेशर है, वो बोलते थे कि तुम कैसे भी करके पेमेंट निकलवाओ, ऐसे बोलते थे उनसे। हाँ, चाहे गाली बोलो या कुछ भी करो, पेमेंट आनी चाहिए। अच्छा मतलब एक पेमेंट निकलवाने पे एक लीड पूरी करने पे कितने मिलते थे कमीशन पे? एक पे नहीं होता सर, ऐसा नहीं चल रहा, जैसे आपकी, आपने तो बोल रहा ना 50 लीड हो गए, तो 100% होता था, 100%, 50 लीड की 100%, एक पे 2%, ठीक अच्छा मतलब अगर मान है, लो कि हम पूरी नहीं कर पाए लीड तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी आपकी रोज की, उन्होंने लगा रखा था ना 12,000 रुपये मंथ के, और प्लस अच्छा आपके इंसेंटिव, इंसेंटिव बनाने के लिए तो भी ये सब करते थे सारे, अच्छा क्यों, अच्छा
उनके ऊपर से खुद ही प्रेशर होता था कि हाँ हमें निकलवानी है कैसे भी। इनके ऊपर जो सीनियर्स थे इन प्रेशर करके रखे थे कि भाई लीक कैसे भी तुम निकलवाओ, सर तो के आप ऊपर आके खड़े रहते थे कि हाँ तुम कैसे भी करके निकलवाओ। मतलब ग्रुप मतलब आप लोग मतलब जो जैसे आप बैठते थे मतलब क्या था, कॉल सेंटर की तरह था क्या था, मतलब सिस्टम मिल गया या कुछ भी? सिस्टम मिल गया, सब कुछ मिल जाता था, सिस्टम, NX ID, हेडफोन्स, चार्जर, एनीथिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा, नेट भी, कनेक्शन नेट? लैपटॉप में अच्छा। लगे। हाँ जॉब और कितनी देर जॉब पे, मतलब टाइमिंग क्या होती थी जॉब की? जॉब की टाइमिंग होती थी हमारा 9 बजे से 6 बजे तक। और रात में भी होती थी लोगों की? नहीं रात में नहीं होती है। अच्छा। ऐसे जो कंपनी वेरीफाइड थी वो रात में करती अच्छा, थी। जो जैसे किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया, आधार कार्ड लगाया, पैन कार्ड नहीं लगाया, इतनी है, नाइट में भी 10 बजे तक ही अगर कोई चला सकती है तो कंपनी चला सकती है। अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के लोन के लिए अप्लाई किया, तो ये जो पैसे भेजते थे ये कैसे तुरंत अकाउंट में आ जाते, ये अकाउंट में तुरंत कैसे आ जाते थे? वो अकाउंट नंबर भी तो आप डालते थे वो। नहीं, अकाउंट में डाल देते तो थे, मतलब 5 मिनट में आ जाते हैं मेरे ख्याल से, अगर लोन अप्रूव हो जाए 5-10 मिनट में तो हाँ 5-10 मिनट में चले जाते ये हैं। ऑटोमेटिक आते थे, कोई भेजता था ये, मतलब कोई मतलब ये स्टाफ अलग था? मैं तो कह तो रहा हूँ कि जो चाइने वाला थे ना, ये डाटा उनके पास चली जाती थी तुरंत ही। वो अच्छा, अपना सिस्टम वहाँ पे लगा के रखा हुआ है सारा चीज का। मतलब चाइना में? हाँ चाइना में ये डाटा अच्छा, तुरंत उनके पास एंट्री हो जाती थी। वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं इस चीज को देखने के लिए। हाँ आई, उन्होंने तुरंत से इस अकाउंट में इतने पैसे भेजने, इतने भेज देते हैं, क्योंकि वहां से पैसे भेज देंगे तो कम ही तो पड़ेगा, यहाँ पे आके डबल होते वो होगा ना, हाँ, तो वहां से वो डायरेक्ट यहाँ पे पैसे भेजते थे। मतलब चाइना से ये ऑपरेट हो रही थी, आप लोगों का काम था सिर्फ कलेक्शन का, हाँ आपको डाटा डाटा आ गया कि यहाँ से कलेक्शन करो? हाँ अच्छा, मतलब ये चक्कर था, मतलब आईडी जो है, आधार कार्ड, वाला कार्ड, जितने सब बाहर पहुंच रहे हैं, हाँ तो इंडिया से चाइना में इतना कुछ हो रहा है, सरकार को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, इतना करोड़ों का कारोबार हो रहा है, ये मतलब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, इतना पैसा कुछ चाइना में जा नहीं, रहा है करोड़ों, गवर्नमेंट तो भी तो खा रही है ना पैसे, आप बताओ ना, गवर्नमेंट तो यार, गवर्नमेंट तो ही पैसे खा रही है ना। हाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खा रही होगी, हो सकता है, क्योंकि हो सकता क्या है, होता है, गवर्नमेंट पैसा खा रही है तभी तो कुछ नहीं कह रही है ना। और आप बताओ ना, चाइनीज सामान सारा बंद हो गया इंडिया में, तो बिल्कुल नहीं बंद हुआ, चल रहा है फिर अभी भी, बहुत चल रहा है, बहुत ही चीजें चल रही हैं अभी भी। तो फिर कहाँ से चल रहा है, आ रहा है तभी, सप्लाई हो रहा है तभी तो चल रहा है ना। सप्लाई हो रहा है और क्या, ये तो सरकार है, सप्लाई क्यों होने दे रही है सामान को? तो जब उतना वो हो रहा है तो जब गवर्नमेंट पैसा खा रहा है तभी तो कुछ नहीं कह रहा ना, चाइनीज कंपनी चल रही है। आप ये तो छोड़ दो, चाइनीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे जो चलती है, कोई स्काईलाइन करके है जो पूरी वेरीफाइड है, कोई इंडियन वो चलाता है उसको चाइनीज का पैसा लेके, आप बताओ ना, बहुत सारी कंपनियां है, आप किस अच्छा, तरीके से। कभी कभी आपके सामने ऐसे हुआ कि कहते हैं कि चाइना में जो लोग बैठे हैं उनसे बात करते हुए किसी को देखा, जो आपके मेन बॉस हैं या कोई तो होगा उनसे? नहीं देखिए क्या होता है, जो चाइना का एक मतलब यहाँ पे वो था, जो मेन बॉस था ना यहाँ पे, हाँ जो कंपनी चलाता है, वो हाँ ट्रांसलेटर रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जिसने फॉरेन की पढ़ाई करी है, चाइनीज लैंग्वेज आती है अच्छा उसको रखा हुआ है यहाँ पे, वो ट्रांसलेट करके बताता है कि ये कह रहा है इनसे ऐसा बात करो, ठीक है, और यहाँ की बातें मतलब वहाँ की बात वो हिंदी रखा है, मतलब इंग्लिश वाला है, ठीक है, अच्छा वो चाइनीज में बोलता है तो इंग्लिश में बोल देता है, तो ये बोल समझ जाता है, ये उसके वास्ते ऐसे बातचीत चलती है। हाँ अच्छा और मुझे पता चला जहाँ तक कि मतलब यहाँ का जो ऑनर है ना, उसकी बीवी चाइना की ही है। हाँ अच्छा ये बात है। तो कोई सोच, आपके सामने कभी ऐसा नहीं नहीं हुआ कि लगा हो कि हाँ ये मतलब कोई नहीं मतलब आज तक पता ही नहीं,
आपका, अच्छा आपका मालिक कौन था, आपका बॉस कौन था, आप जो, आप जिसके नीचे काम कर रहे थे? दोस्तों आपने सुन लिया उसके मुंह से वो किस किस तरह की बातें कर रहा है, क्या क्या उसने पोले खोली हैं। तो यहाँ पे अब जो अगली रिकॉर्डिंग है यानी जो अगला पार्ट है वो आपको हम पार्ट 5 में देंगे, अब वो लास्ट होगा। ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, अब यहाँ से आपको अंदाजा लग गया होगा कि रिकवरी एजेंट किस तरह से क्या करते हैं, कंपनी की आपको पूरी पोले पता चल गई होंगी। तो दोस्तों अगर आप नए हैं पहली बार तो सबसे पहले काम करो, ये रिकॉर्डिंग तो आपने सुनी ली होगी, तो उससे पहले जो 3 रिकॉर्डिंग हमारी है वो और सुन लो, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी किसी लोन ऐप को एक्सपोज कराना चाहते हैं तो आप मुझे अपना वीडियो या आपके पास जो भी प्रूफ है मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, या आप चाहे मुझसे लाइव बात करके भी जो है उनको एक्सपोज कर सकते हैं। एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, आपके पास कोई भी प्रूफ हो किसी भी लोन ऐप का तो प्लीज मुझे दे, मैं उसको एक्सपोज करूंगा। और अगर आप पीड़ित हैं किसी भी लोन ऐप से तो प्लीज साइबर क्राइम में कंप्लेंट जरूर कराएं, ये बहुत जरूरी है। तो जितनी ज्यादा आप कंप्लेंट करेंगे और जितनी कंप्लेंट पुलिस के पास जाएंगी तो इनको भी मजबूरी में कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप कंप्लेंट जरूर करें। और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये मुझसे बात करने का तरीका आप ही देख लीजिए, पूरा प्रोसेस दे रखा है, कॉमनीफोर ऐप से मुझसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की रिकॉर्डिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना ऐसी कौन सी लोन ऐप है जो आपको परेशान कर रही है, मुझे उसके नाम जरूर बताएं, या कोई भी आपके मन में कोई बात हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लाइक भी जरूर कर दिया करो, अब चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन भी कर दो प्रेस, बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे साथ में क्या करना है, दूसरे चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें जिसका नाम है बजाते रहो पूंजी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करें, वहां पे भी हम लोन ऐप्स की पुंगी बजा रहे हैं और पुंगी बजाते रहेंगे। उस चैनल पे हम यही काम करेंगे, जो कोई होगा सबकी पुंगी बजाएंगे, अभी लोन ऐप की बजा रहे हैं, आगे चल के किसी और की, फिर किसी और की, किसी और की, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उसको हटाने वाला जो टिक वाला वीडियो वो बना दिया है, आपको हमारे उसी बजाते रहो पुंगी वाले चैनल पे ही मिलेगा, तो उसको जाकर जरूर देख लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।